हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरा नाम तस्कीर है। इस वीडियो में मैं रिएक्शन कर रहा हूँ। इंटरेस्टिंग सा एक टाइटल है, अनवर मसूद का कुछ प्रोग्राम हुआ था शायद, कुछ वहाँ पर स्पीच वगैरह हुई थी। जॉन एलिया ऑल्सो क्विट पीटीआई, ये एक फनी टाइप का टाइटल लग रहा है जॉन एलिया, क्योंकि सब लोग पीटीआई छोड़ रहे हैं, तो उसके ऊपर कुछ वीडियो है। स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। जब उठेगा कैसे, उठते हैं लोग पर नहीं उठते। आज़ादी के दीवाने क्या जिंदानों तक आ पहुँचे? सब खबरें जानी, सब खबरें हैं, जाने किन अंधेरों में तुमने छावनी की है। जाने किन अंधेरों में तुमने छावनी की है, छाव की है। तुम उजड़ने वाले तो ख्वाब थे उजालों के। यहाँ मैं जिक्र नहीं कर रहा मकीनों का, कभी कभी दरो दीवार मरने लगते हैं। जानी ये शेर नहीं, सब तस्वीरें हैं जो खबरों में दिखाई जा रही हैं। इंसाफ में तेरी जुस्तजू में बेजार नहीं हूँ, थक गया हूँ। पूछ तो वाकया है क्या, देख तो हादसा है क्या। शाम है और शहर में घर कोई जल रहा नहीं। वाओ। जानी ब्रेकिंग न्यूज़ एक बेहुदा म्यूज़िक के साथ। हम अहले शहर अपने जवानों के दरमियाँ, जॉन एक मौजज़ा है अगर खैरियत से है। अगर खैरियत से है तो एक मौजज़ा। वाह। हम अहले शहर अपने जवानों के दरमियाँ, जॉन एक मौजज़ा है अगर खैरियत से है। और मकसूद, ये खबरें 4 दिन पुरानी थीं। बर्फ़ मत डालना, बर्फ़ मत डालो। क्यों जॉन, जॉन क्यों? जानी एक हूर ने कहा था, बर्फ से परहेज करो क्योंकि तुम खुद बहुत ठंडे हो। खुद बहुत ठंडे हो, जम ना जाओ कहीं। उसी वक्त बर्फ से तौबा कर ली। किसी ने मुझे ऊपर बताया था कि तुम्हारे किसी प्रोग्राम के बाद किसी ने लिखा था, अनवर मकसूद शराबी है। तुमने क्या जवाब दिया? मेरे पास उस किस्म का सेल फोन नहीं है कि मैं जवाब दे सकूं। अगर होता भी तो मैं क्या जवाब देता? इकबाल ने जवाब नहीं दिया, जोश ने जवाब नहीं दिया, फैज़ ने जवाब नहीं दिया, सूफी तबस्सुम ने भी जवाब नहीं दिया, फराज ने जवाब नहीं दिया, मुनीर रियाजी ने जवाब नहीं दिया, उस्ताद दामन ने जवाब नहीं दिया, नासिर काजमी ने जवाब नहीं दिया, मीरा जी ने जवाब नहीं दिया, जालिब ने जवाब नहीं दिया, किश्वर नाहिद ने जवाब नहीं दिया, सज्जाद बाकर रिजवी ने जवाब नहीं दिया, असगर नदीम सैयद ने जवाब नहीं दिया, मुन्नू भाई ने जवाब नहीं दिया, अनवर शऊर ने जवाब नहीं दिया। मगर जानी मैंने तो जवाब दिया था। एक मशहूर ख़ानदान के साहबजादे ने कहा था, जॉन एलिया शराबी है। मैंने लिखा, ये अजीब ख़ानदान है, इसके मर्द मुझे शराबी कहते हैं और इस ख़ानदान की औरतें मुझे जानी कहती हैं। मेरे जवाब के बाद सुना है, आज तक उस ख़ानदान की औरतों और ख़ानदान के मर्दों में फड्डा चल रहा है कि तुमको कैसे पता। अभी मैं खबरें सुनकर आ रहा हूँ जानी, मैं एक ऐलान करना चाहता हूँ। मैं आज इसी वक्त पीटीआई छोड़ रहा हूँ। बहुत ट्रेंड में चल रहा है ये पीटीआई छोड़ने वाला सीन। जॉन आप तो पीटीआई में नहीं थे। जानी इस वक्त मैं ओवर स्काई पाकिस्तानी हूँ। ओवर स्काई ओवरसीज पाकिस्तानी और ओवर स्काई पाकिस्तानी सब पीटीआई की तरफ है। जो जा चुके हैं वो भी। इस ऐलान के बाद मैं यहाँ महफूज। बढ़िया था। आज सियासत के बू पे हाथ मार मार कर तौबा कर रहा हूँ। सियासत से अब मेरा कोई ताल्लुक नहीं। ये वाला सीन सही था। मैं ये ऐलान प्रेस के सामने करना चाह रहा हूँ। मैंने कह दिया है पीटीआई छोड़ रहा हूँ। जानी मेरे सारे गुनाह धुल गए। जानी फरहाद ने शीरी के साथ वो नहीं किया
जो इस हुकूमत ने शीरी के साथ किया। शीरी मजारी की बात कर रहे हैं। हुकूमत ने शीरी के साथ कर दिया। हुकूमत ने कहा शीरी हम तुम्हारा मज़ार बना देंगे, तुम पीटीआई छोड़ दो। मज़ार से वो नहीं डरी क्योंकि खुद मज़ारी थी, मगर पता नहीं क्यों पार्टी छोड़ दी। मगर अनवर मकसूद, फवाद चौधरी भी पार्टी छोड़ गए। जॉन वो भाग नहीं सकते थे। हाँ, भाग नहीं सकते थे, उनका वीडियो वायरल हुआ था, इसलिए छोड़ गए। दो कदम बाद ही सांस फूल जाता था। हाँपते हाँपते पार्टी छोड़ गए। ये चौथी पार्टी उन्होंने छोड़ी। चौथी पार्टी ऐसा क्यों? अनवर मकसूद जानी, मैं तो चाहता हूँ मुल्क में अमन हो। जॉन सदर आरिफ अलवी ने कहा है फौज की बदौलत ही मुल्क में अमन है। जानी ये किस मुल्क के सदर हैं? जॉन पाकिस्तान के सदर हैं, ताल्लुक पीटीआई से है। जॉन आपका जश्न है, सिर्फ अपनी बात करें, औरों को छोड़ें। अपनी बात क्या करूं जानी, साल भर से ज़्यादा हो गया, इस हुकूमत के जौहर अभी तक नहीं खुले। और ये बताओ पंजाब की अंडरटेकर हुकूमत, जॉन अंडरटेकर नहीं, केयरटेकर, अंडरटेकर रेसलर, जॉन अंडरटेकर नहीं, केयरटेकर हुकूमत। गोया गोया आपकी शायरी की चौथी किताब थी, शायद शायद आपकी शायरी की पहली किताब थी। मैंने पंजाब हुकूमत के बारे में जो कहा था, मेरे गुमान आप गुमान आपकी शायरी की दूसरी किताब थी। तुम बात क्यों काट रहे हो मेरी? तुम चाह रहे हो मैं कुछ ना बोलूं, लेकिन लेकिन आपकी आखिरी किताब थी, यानी मैं चला जाऊं, यानी आपकी तीसरी किताब थी। और ये आपका तीसरा गिलास है। अनवर शेर सुनो, शेर, तुमने बहुत शराब पी, इसका सभी को दुख है जॉन। और जो दुख है, और जो दुख है वो ये है, तुमको शराब पी गई। नाइस, शराब पी जाती है भाई इसको पीने वालों को। अनवर मकसूद, तुम खबरें सुनते हो? जॉन मैं खबरें नहीं सुनता। अब मैं तुम्हें ताज़ा खबरें सुनाता हूँ अपने अशार में। दुश्मन हो तुमको खौफ किसका है, मार डालो कि मैं अकेला हूँ। ए कातिलों के शहर बस इतनी ही अर्ज है, मैं हूँ न कत्ल कोई तमाशा किए बगैर। हाकिम में वक्त हुआ हाकिम में फितरत शायद, इन दिनों शहर में नाफिज है खिजां का मौसम। वही दीवार है अपनी, वही दर है दरपेश, कैसे ठहरूं मैं यहाँ, फिर वही घर है दरपेश। जो भी हो तुम पे मोतरिज उसको यही जवाब दो, आप बहुत शरीफ हैं, आपने क्या नहीं किया। जो भी हो तुम पे मोतरिज उसको यही जवाब दो, आप बहुत शरीफ हैं, क्या नहीं किया, आपने क्या नहीं किया। जानी नैब किसी से हिसाब मांग रही है, तारी हो मुझ पे कौन सी हालत मुझे बताओ, मेरा हिसाब नफ़ो ज़र किसके पास है। तेरे गुरूर का हुलिया बिगाड़ डालूँगा मैं, आज तेरा गिरीबान फाड़ डालूँगा। अब फैसलों का कम नज़रों पर मदार है, यानी तमाम अहले नज़र खैरियत से हैं। अपना कमाल था अजब, अपना जवाल था अजब, अपने कमाल पर सलाम, अपने सवाल पर सलाम। जानी ये तुम्हारे मुल्क की खबरें हैं, वो जो हैं जीते उन्होंने बेतरह,
जीतने पर हिम्मतें हैं हारियां। तेगबाजी का शौक अपनी जगह, आप तो कत्लेआम कर रहे हैं। मैं तो सफ़ों के दरमियां कब से पड़ा हूँ नीम जां, मेरे तमाम जानसार मेरे लिए तो मर गए। जानी ये ज़मान पाक पे लिखा है। आज की शाम है अजीब, आज की शाम है अजीब, कोई नहीं मेरे करीब। आज सब अपने घर रहे, आज सब अपने घर गए। अनवर, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात पाबंदी लग जाएगी। जॉन, मुझे सियासी गुफ्तगु करने से डॉक्टर ने परहेज़ किया है और कहा है मैं अभी तक, और जॉन मैंने अभी तक कोई ऐसी बात नहीं की, सिर्फ आप कर रहे हैं। आपको मालूम है आप इस वक्त सबसे पॉपुलर शायर हैं। जानी शायर को पॉपुलर होने में अरसा लग जाता है। मीर गालिब सौदा गालिब, मीर गालिब सौदा इकबाल फैज़, सबके साथ ये हुआ। मैं फ्राइडे को मरा, संडे को पॉपुलर हो गया। जॉन ढाई दिन में नंबर वन। लाहौर में मुनीर फराज जालिब नासिर आली कासमी मेरे बाद आते थे, ऊपर मेरे बाद सिर्फ मीर और गालिब आते हैं। गालिब ने तो दो बार कहा मुझे जॉन के बाद बुलाओ। जानी ये बताओ मैं इंडिया में इतना पॉपुलर कैसे हूँ? बहुत पॉपुलर है इंडिया में। जॉन, आपकी शक्ल उनके किसी भगवान से मिलती है। जॉन एलिया से एक डिस्कशन वाली वो थी इसके अंदर, जितना मुझे समझ में आया। कुछ कुछ चीज़ें शायद ना ही समझ में आई होंगी मुझे, जो टिपिकल थी, जो आप लोग शायद समझते होंगे, लेकिन हाँ मुझे ज़्यादातर चीज़ समझ में आई। उनसे एक डिस्कशन चल रहा था, मज़ारी के ऊपर जोक था इसके अंदर, लेकिन ये सिर्फ एक कॉमेडी जोक था। और इस सबसे बढ़िया मुझे वो लगा कि ओवर पाकिस्तानी, मतलब वो ओवर स्काई पाकिस्तानी, मतलब ओवरसीज़ भी हैं जो ज़िंदा हैं ओवर स्काई, उनको भी डर है कि मैं पीटीआई छोड़ रहा हूँ और मैं यहाँ पर सेफ़ रहूँगा, मतलब मौत के बाद भी ऐसा सीन चल रहा है। तो बहुत ज़बरदस्त पंच था वो, जो भी ये पॉइंट्स मारते हैं सूखे मुँह से, अगर आप उसका उसको कैच कर रहे हो तो बड़ा ही ज़बरदस्त लगता है। यार क्या कह दिया इस बंदे ने। सो अच्छी वीडियो थी, आई होप कि आपने भी इन्जॉय किया होगा, लाइक किया होगा, और हमारी वीडियो को भी लाइक करते हुए जाइए। एंड करते हैं इस वीडियो को, बाय बाय, साइनिंग ऑफ़।